वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो। सुनते हैं कि देश में गांधी फिर लौट आए हैं। सुनते हैं कि इस बार उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसमें सभी 120 करोड़ देशवासी शामिल हैं। यह लड़ाई है अन्ना की, अन्ना हजारे की। 73 साल के ये अन्ना आखिर हैं कौन? अन्ना हजारे जी के बारे में पहले से कुछ जानते थे? क्या करते थे वो, क्या करते हैं? नहीं, हम पहले से कुछ नहीं जानते थे। भाई, अन्ना हजारे जी जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और वो आगे भी अच्छा ही करेंगे। ये अच्छा सोच है जो वो देश के लिए कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना, वो एक जनता, जिस तरह से एक जनता के प्रतिनिधि हैं। देखिए, हमने पेपर में पढ़ा हुआ है या टीवी में देखा हुआ है, बाकी जो आसन पर बैठते हैं उसके बारे में पता है किस लिए बैठते हैं। ये वो लोग हैं जो अन्ना को टीवी के मार्फत जानते हैं। टीवी जिसके सच और झूठ का अपना ही माया जाल है, जो पूरी हकीकत बयान नहीं करता। जिस दिन मैं उधर से निकला, उसी टाइम महाराष्ट्र ने घोषणा की। अन्ना ने इससे पहले कई अनशन किए हैं। उस वक्त भी उनके साथ हुजूम उमड़ा था, उस वक्त भी उनके कुछ खास साथी थे, लेकिन आज वो खास साथी अन्ना के साथ नहीं है। सच तो ये है कि अन्ना का कोई भी पुराना साथी उनके साथ नहीं है। आखिर क्यों? बात यह है कि वो अन्ना का तरीका है एक, क्योंकि अन्ना खुद सभी यानी ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, जस्टिस, पुलिस और ऐसा सब पूरा उनके हाथ में ही थोड़ा होता है, तो ये है अन्ना का ये स्वभाव है। जब भी कभी अन्ना को लगा कि अभी ये लोग इनसे आगे निकल जाएंगे शायद, अन्ना ने उनको हटा दिया। तो ये श्रूडनेस है, अन्ना अन्ना ही है, और अन्ना वो चाहते कि वो पूरे डिसीजन के अधिकार उनके हाथ में चाहिए। दूसरी एक उनकी खासियत है, वो क्रेडिट किसको मिलेगा इसलिए हमेशा अपने संगठन नहीं करता, और अपने जो कॉम्रेड्स है उनमें बदलाव करता है। अन्ना को संगठन मंजूर नहीं है, अन्ना व्यक्तिवादी है। जो व्यक्तिवादी रहता है वो भविष्य में डिक्टेटरशिप की तरफ झुकता है, और ऐसे व्यक्ति को जो जो हुकुम शाह है उनके तरफ कोई आकर्षण रहता है। आई डोंट थिंक ही बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। आज अन्ना भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, पहली बार नहीं लड़ रहे। 1991 में भी उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन किया था, और इस आंदोलन के लिए हर जिले में पदाधिकारी बनाए गए थे। आंदोलन तो सफल था, लेकिन जल्द ही शिकायतें भी आने लगीं। इन शिकायतों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सावंत की इंक्वायरी कमीशन ने की। जस्टिस सावंत ने पाया कि अन्ना के साथी गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि पैसा वसूली, ब्लैकमेलिंग, दूसरों की जमीन पर कब्जे, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अन्ना हजारे के नाम पर जो लोग काम करते हैं उनको उतना मिलता है, उनकी न्यूसेंस वैल्यू कितनी? वो बोलते हैं कि देखो भैया, हमको ये नहीं देंगे तो हम अन्ना को यहाँ लाके उसका वो अनशन डालेंगे तुम पर, यानी वो अस्त्र बन गया। तो वो देखता है कि सच्ची इसकी कीमत है क्या, क्या अन्ना को हम मिल सकते हैं, वो देखता है ना। फिर इसके कहने पर अन्ना आएंगे तो देता है ज़्यादा पैसा। जस्टिस सावंत कमीशन ने अन्ना को भी भ्रष्ट ठहराया। इसी कमीशन द्वारा दोषी ठहराए जाने पर महाराष्ट्र सरकार के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अन्ना नई जगह पर नए साथियों के साथ फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पुराने साथियों की जगह नहीं है, क्योंकि वो सच जानते हैं। उनके फास्ट का 13वां दिन था या 14वां दिन था,
तो हम रालेगन सिद्धि यहाँ से चले गए थे, मेरे साथ मेरे कोई साथी डॉक्टर्स भी थे और कोई आरोग्य सेना के सदस्य मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त। वहाँ जाने के बाद जो कुछ मैंने देखा, मैं ये कह नहीं सकता कि ऐसा मुझे क्यों महसूस हुआ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। अन्ना हजारे का एक कोई नज़दीकी रिश्तेदार, जो उस वक्त मैंने सुना कि उनके स्वीय सहायक का काम कर रहा था, उसका भी नाम मुझे याद नहीं है, उसने मुझे ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल के पाउडर दिखाई और मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं अन्ना को हर रोज़ ये ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल दे रहा हूँ, इतना काफ़ी है ना? तो मैंने उसे अचानक मजाक में कहा कि अरे ये तो मैं लेता तो शायद मैं साल भर उपोषण अनशन कर सकता। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमें जो अनुभव आया वैसा अनुभव किरण बेदी केजरीवाल को न आए, इतना ही मैं अपेक्षा करता हूँ, बाकी कुछ नहीं, इतना ही है बाकी। जो व्यक्ति पहला ही अनशन ग्लूकोज पाउडर पी के करता है, मुझे मालूम नहीं उसके बाद के अनशन उन्होंने ग्लूकोज पाउडर के साथ किए या नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम दूसरा गांधी तो मान ही नहीं सकते।